गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, पार्ट तीन अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है, क्लास सेवन्थ। अब ये पार्ट चार शुरू करेंगे, पहले हम इसे पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। पार्ट चार है ऋतुराज वसंत। वसंत काल सुखद भवती यदा शिशिर ऋतु गच्छति। वसंत ऋतु आगच्छति सुखावह एषः कालः अस्मिन् काले न अत्यधिकं शैत्यं न च अत्यधिकं उष्णत्वं। वसंत ऋतो प्रकृतिः रमणीय भवति। वृक्षेषु नवाः पल्लवाः आगच्छन्ति। सर्वतः चित्रविचित्राणि कुसुमानि विकसन्ति। पुष्पेषु भ्रमरा गुंजन्ति। विविध वर्णा इटलिका इतस्ततः उत्पन्ति उत्पत्तन्ति। आम्र वृक्षेषु पिक्का गुंजन्ति। पवनः मंदं मंदं वहति। पुष्पाणां च सौरभम् आवहति। वसंतकाले प्रकृते सौंदर्यं दृष्ट्वा चित्तं प्रसीदति। वस्तुतः भ्रमणयोग्यः एषः कालः। उद्यानेषु जनाः भ्रमन्ति। बालाः च आनन्देन क्रीडन्ति। सर्वत्र नवजीवनम् इव सञ्चरति। वसंत पंचमी इति उत्सवः वसंत ऋतो आगमनं सूचयति। केचित् जनाः एतस्मिन् दिवसे विद्यायाः देवीं सरस्वतीं पूजयन्ति। राग रंगाणां उत्सवः होली वसंत ऋतो एव आगच्छति। हास परिहासस्य आह्लादस्य च उत्सवः एषः। एतस्मिन् उत्सवे सर्वत्र आमोद प्रमोदस्य वातावरणम् अस्ति। आबाला वृद्धा सर्वे प्रसन्ना जना अन्योन्यस्य उपरि रंगानि प्रक्षिपन्ति। प्रमोदिता च भूत्वा गायन्ति नृत्यन्ति च। सौभाग्यम् अस्माकं यत् भारतवासिनः वयं यथा भारते षड् ऋतवः भवन्ति न तथा अन्यत्र यदा सूर्यः उत्तरायणः भवति तदा शिशिरः वसन्तः ग्रीष्मः च ऋतवः भवन्ति। यदा भानुः दक्षिणायणः भवति तदा वर्षा शरद हेमंत च ऋतवः सन्ति। शरद हेमंत च ऋतवः सन्ति। ऋतुः वसन्तः सर्वश्रेष्ठः ऋतूणां राजा च। अतः एषः ऋतुराजः कथ्यते। ये रीडिंग हो गई। इसके जो शब्दार्थ हैं वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। इसके शब्दार्थ हैं ऋतुराज ऋतुओं का राजा, शिशिरः शिशिर, शैत्यम ठंड सर्दी, उष्णत्वम गर्मी से गर्मी। वसंत ऋतु वसंत ऋतु में तितलिका तितलियां उत्पत्तन्ति उड़ते उड़ती है। मंद मंदम मंदम धीरे धीरे बहती बहता बहती है। पुष्पाणां शोभं फूलों की सुगंध। आवहति इसका है लाता या लाती है। प्रकृते प्रकृति का के की
सिर्फ तीनों ही लग सकते हैं। प्रसिद्धति खुश होता है या खुश होती। वस्तुतः वास्तव में केचित जना कुछ लोग राग रंगाना रंगों का रंगों के या रंगों कितनों जोड़ सकते हैं। हास परिहासस्य हंसी मजाक ये सभी काकी के तीनों जुड़ेगा। आह्लादस्य खुशी का आमोद प्रमोदस्य मौज मस्ती। सर्वतः यहाँ पर है सर्वतः चारों चित्र विचित्राणि रंग बिरंगे तरह तरह के विविध वर्ण अनेक रंगों वाली। आबाल वृद्धा बच्चे और बूढ़े अन्योन्यस्य एक दूसरे के ऊपर। प्रक्षिपंती फेंकते हैं फेंकती हैं। प्रमुदिता प्रसन्न भूत्वा होकर। षड ऋतव छह ऋतुएं। अन्यत्र और कहीं उत्तरायण उत्तरार्ध ग्रीष्म गर्मी। भानु सूरज दक्षिणायन दक्षिणार्ध या दक्षिण में। शरद शरद हेमंत हेमंत इसमें हेमंत है। देखो ये संस्कृत वर्ड हिंदी वर्ड हलंत लगाए थोड़ा सा चेंज हो गया तो हेमंत हेमंत। ऋतुनाम ऋतुनाम राजा ऋतुओं का राजा। कथ्यते कहा जाता है ये इसके शब्दार्थ हैं। आपका होमवर्क यही रहेगा इस लेसन को अच्छे से आप रीड करना और जो शब्दार्थ दिए हैं उनको लर्न करना और पीडीएफ में सेंड करना रहेगा। ठीक है थैंक यू।